हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप? शायद आप अच्छे होंगे। चलते हैं आज कॉम्पिटिशन में पूछे जाने वाले पैसेज जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया जाता है। और फिल इन द ब्लैंक्स में चॉइस चार मिलेगा, चार चॉइस से आपको भरना, उसी में से लेकर के भरना है। और पैसेज की तरफ जाने से पहले आप जान लें, हर एक कॉम्पिटिशन में ये पूछा जाता है। ये है हाई कोर्ट पटना में पूछा गया एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का एक भाग लिया हूं वहां से, और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स को करने के लिए, जो कि हर एक कॉम्पिटिशन का एक पार्ट है। तो आपको पैसेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बोर्ड की तरफ, जानते हैं कुछ क्या पैसेज है, पैसेज का क्या अर्थ है, कैसे सॉल्व करेंगे, जानते हैं इसके बारे में। लिखा सबसे ऊपर बोर्ड की तरफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। इस पैसेज में मैंने पढ़ लिया, इस पैसेज में एक सेशल्स है, सेशल्स नहीं है, सेशल्स अफ्रीका में एक देश है, एक देश है, सबसे छोटा देशों में भी ये एक छोटा देश है उसमें से। चलते हैं, लिखता है कि सेशल्स वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्रीज, जितनी स्मॉलेस्ट कंट्रीज है उसमें से ये भी एक कंट्रीज है जो अफ्रीका में है। इज डैश मतलब इस कंपोज्ड ऑफ, इस कंपोज्ड ऑफ से बना हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ, बना हुआ है, यहाँ लगा दीजिए कंपोज्ड ऑफ टू मेन आइलैंड्स। ये जो है सेशल्स आइलैंड्स जो है उसमें दो प्रकार के आइलैंड्स हैं, एक है द माहे ग्रुप ऑफ माहे ग्रुप ऑफ 42, देखिए माहे ग्रुप ऑफ उसमें मोर देन 42 में देखिएगा आप, लगाइए मोर देन, इसमें 40 से ज्यादा ग्रेनाइट से रिलेटेड माउंटेन्स हैं, माउंटेन का आइलैंड्स हैं। यहाँ होगा माहे ग्रुप ऑफ मोर देन 40 सेंट्रल माउंटेन्स। माहे ग्रुप जो सेशल का दो आइलैंड है, एक है माहे ग्रुप, उसमें कम से कम 40 से ज्यादा, तो आप लगाएंगे मोर देन 40, देखिए मोर देन 40, उसमें कौन सा माउंटेन है जहां की ग्रेनाइट मिलता है, मार्बल और ग्रेनाइट ही आइलैंड्स कहलाता है, माहे ग्रुप जो है ग्रेनाइट आइलैंड्स कहलाता है। और दूसरे प्रकार का और डैश क्या है, और डैश यहां देखिएगा सक्सीडिंग सब्सिक्वेंट नेक्स्ट सेकेंड, एंड अ सेकेंड जो है दूसरा वाला जो है मोर देन, यहां तो क्या होगा एंड अ मोर देन 42, क्या होगा 42 आपको हो जाएगा, सॉरी 43 सेकेंड, एंड अ सेकेंड जो है सेकेंड प्रकार का जो सेशल्स का एक आइलैंड है वो मोर देन 70 आउटर फ्लैट कोरलाइन आइलैंड्स, मतलब कोरल मतलब है घोंगा सितुआ का आइलैंड्स यहाँ ज्यादा पाया जाता है, घोंगे सितुए ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ आप लिखेंगे यहाँ सेकंड लिखा है सेकंड मोर देन 70 आउटर फ्लैट कोरलाइन आइलैंड्स यहाँ है। नेक्स्ट द आइलैंड ऑफ माहे ग्रुप का जो आइलैंड है जहाँ की 40 सेंट्रल माउंटेन्स है, जो ग्रेनाइट जहाँ ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, जो कि सेशल का एक आइलैंड का भाग है, माहे ग्रुप रॉकी क्या है, रॉकी है, रॉक है उसमें रॉक, एंड डैश 44 में देखिए 44 चॉइस भी देखना पड़ा, हैबिचुअली टिपिकली रूटीनली रेगुलरली हैव ए नैरो कोस्टल स्ट्रिप, मतलब ये समुद्र का किनारा जो है से गुजरता है, तो यहाँ लिखेंगे पहले से ही क्या है टिपिकली, मतलब पहले से है आइलैंड जो बना था उसी समय से हब अ नैरो कोस्टल स्ट्रेप, बहुत से समुद्री किनारा एकदम नैरो चलता है, एंड अ सेंट्रल रेंज ऑफ हिल्स, इसमें बहुत से छोटे छोटे पहाड़ियां भी हैं, एंड द डैश फीचर 45 देखिए कलेक्टिव प्रीडोमिनेंट वाइड क्लाउड, प्रीडोमिनेंटली फीचर ऑफ दीज आइलैंड्स, जो पहले से इनका जो क्वालिटी है, इनकी जो विशेषता है, तो आप लगाएंगे यहाँ प्रीडोमिनेंट The predominant of those islands, इस islands में पहले से ही क्या है with their lush tropical vegetation, काफी यहाँ पेड़ पौधे हरे भरे पौधे पाए जाते हैं, lush मतलब होता है भरा हुआ, typical vegetation मतलब होता है जो अपने आप उगता है पहाड़ों पर, उसे vegetation कहते हैं, इसमें जो है काफी हरे हरे भरे पौधे हैं, इस that of high hanging gardens, ऐसे ऐसे पौधे हैं जैसे लटक रहा हो, जैसे गार्डन में आपने पौधा लगाया हो, इस प्रकार के पौधे ग्रीन पौधे काफी यहाँ हैं। देयर इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है फिल इन द ब्लैंक्स का।
आशा करते हैं कि आप इसको फिर से पढ़ें और ऑप्शन को भी देखें और फिल द ब्लैंक्स भी करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो है आपको स्टफ के बैनर तले हैं। जैसा मैंने कहा था, ये YouTube चैनल चार टॉपिक में पढ़ाता है। एक ग्रामर पढ़ा रहा है, एक ट्रांसलेशन, एक स्टफ। स्टफ में हर एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को कवर किया जाएगा। आज हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ये स्टफ में आएगा। और व्यूअर्स लगातार इस वीडियो को देखते रहे, आशा करते हैं 3 से 4 मंथ्स में किसी भी कॉन्टेंट के इंग्लिश के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।